आज महर्षि वाल्मीकि के अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरपोर्ट से सीधा लखनऊ के सदर क्षेत्र पहुंचे, जहां वाल्मीकि समाज की ओर से महर्षि वाल्मीकि चौक पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर लखनऊ महापौर महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, लखनऊ छावनी परिषद के पूर्व तमाम सदस्य मौजूद रहे। वाल्मीकि जयंती है, इस अवसर पर मैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया कि कहीं न कहीं जाकर मैं महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करूंगा और अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति को मैं करूंगा। उसी निमित्त मैं यहाँ पर आया हुआ था। महर्षि वाल्मीकि का जहाँ तक प्रश्न है, सारा विश्व जानता है कि वाल्मीकि रामायण के रचयिता वो थे, और जिस राम का ये चरित्र का जो उन्होंने चित्रण किया है, उसी आधार पर आज भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में जहां भारतीय रहते हैं, आज रामलीला का मंचन होता है। महर्षि वाल्मीकि के राम, मैं ऐसा मानता हूं कि वह केवल राजा ही नहीं थे, बल्कि वह लोकनायक थे, वह संस्कार पुरुष थे, वह युग पुरुष थे, वह अवतार पुरुष थे और धर्म की प्रतिमूर्ति थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इस रूप में जितने भी भारतवासी हैं, चाहे दुनिया किसी भी कोने में हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को देखते हैं।